गुजरात के अंदर अभी तक ईश्वर कृपा से हम कह सकते हैं कि एक भी कोरोना वायरस का केस पॉजिटिव नहीं रहा है और हम बिल्कुल अभी सलामत हैं। लेकिन बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई तैयारी नहीं करनी है, पूरे तौर से हम लोग तैयार भी हैं और जितने भी मेजर्स हमें लेने हैं, पूरी सरकारी तंत्र आरोग्य की जो हमारी पूरी टीम्स हैं दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रही है कि एक भी केस हमारे यहाँ पॉजिटिव न हो, और अगर भगवान न करे कोई पॉजिटिव केसेस होंगे तो भी उसे अच्छी तरह से डील करने के लिए हम बिल्कुल पूरे ढंग से तैयार हैं। इस तरह से कोई पैनिक यानी कि बिन जरूरी घबरावट की ज़रूरत नहीं है, पर एट द सेम टाइम तैयारी ज़रूरत है। और इसी चीज़ को लेते हुए हमने अभी अपने यहाँ जो एपिडेमिक एक्ट है उसका नोटिफिकेशन कल शाम को जाहिर कर दिया है, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना का रोग चारा हमारे यहाँ अभी है या एपिडेमिक है, ये इसका मतलब नहीं है। पर इसका मतलब ये है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए हर ज़िले में जो वहाँ के जो कलेक्टर हैं, जिला के जो DDO हैं, वैसे ही वहाँ के जो जिला मुख्य आरोग्य अधिकारी हैं वगैरह, कमिश्नर्स हैं, उन सबको पावर्स दी गए हैं जिससे कि ऐसे कोई भी केसेस जो आते हैं, अलग अलग इसका लक्षण भी उसका विवरण किया गया है, उसके अनुसार जो उन्हें कार्यवाही करनी होगी वो करने में उन्हें कायदा किया, उन्हें एक प्रावधान भी करने में आया है। और हम ये मौका लेना चाहते हैं आप सबको भी धन्यवाद कहने के लिए कि एकंदर समाज ने, मीडिया ने और सभी जो अलग अलग विस्तार में हमारे जो नागरिक रहते हैं सब ने बहुत अच्छे से अभी तक उनके व्यवहार वर्तन की वजह से हम कह सकते हैं कि अपने यहाँ फॉर्चुनेटली अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं हुआ है। खास क्वारंटाइन के लिए भी हमारे यहाँ 38 जितनी फैसिलिटीज़ बनाए हैं, 1117 जितने बेड्स हैं। इसके अलावा आइसोलेशन के लिए भी 572 जितने बेड्स और 204 जितने वेंटिलेटर्स का भी प्रावधान है। हमने जाहिरनामा जैसे कहा कल इशू कर दिया है। सरकारी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स पर प्रतिबंध रखा है, और लोगों से, जाहिर जनता से भी अपील की है कि बिन जरूरी लोगों को एकत्रित करना, कहीं बड़े पैमाने में लोग एक जगह पर साथ मिलजुल कर आएँ, ये अभी थोड़े दिन के लिए उसे न करना उचित होगा। खास आज पब्लिक को हम आपके द्वारा 2-3 मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हैंड वॉश। दोबारा बार बार यही चीज़ हम कह रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, क्योंकि कोरोना वायरस कोई भी कॉमन सर्फेसिस पर हम अगर उसे छूते हैं, टच करते हैं, तो उससे हमें ये वायरस हाथ पर हम उसे ले जाने की एक संभावना रहती है। इसीलिए साबुन, स्वच्छ पानी से अगर हाथ हम धोएं तो उससे अच्छी एक प्रिकॉशन कवच बन रहेगा। वैसे ही दूसरी बात है कि जहां तक बने लोगों से हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते की मुद्रा से मिलें, ये अच्छा है। थूकना, जो अक्सर हम देखते हैं कि शहरों में, गांव में लोगों की एक बुरी आदत है कि कहीं भी थूक देते हैं, इस पर भी प्रतिबंध हो तो अच्छा है, क्योंकि ये वायरस ये ड्रॉपलेट्स में, सलाइवा में जब हम कहीं थूकते हैं तो उसके ज़रिए भी स्प्रेड हो सकता है। खास कि अभी काफ़ी लोग मास्क और सैनिटाइज़र को लेके परेशान हैं और सब चाहते हैं कि हम मास्क पहन लें, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कोई बीमार हो खुद, उन्हें सर्दी हो, उन्हें अगर कॉफ होता हो, तो ऐसे लोगों को ज़रूर मास्क पहननी चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र भी कोई हम लोग यूज़ करें ऐसे ज़रूरी नहीं, जैसे मैं भी पानी और साबुन से हम लोग हाथ धोते हैं, ये सफिशेंट है, पर्याप्त है। कॉफ एटिकेट, अगर खांसी भी करनी हो इस तरह से किया जाए, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर इस हाथ से आप किसी से कहीं आप टच करेंगे कोई चीज़ तो ये जो कीटाणु है वहाँ पर आ जाएंगे। इसीलिए जहाँ तक बने ऐसा कॉफ एटिकेट हम लोग करें, अच्छा है। गुजरात का जहाँ तक सवाल है, जितने भी हमारे हवाई अड्डे हैं और वैसे ही पोर्ट्स, सी पोर्ट्स हैं, उसमें भी जितने पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स आ रहे हैं उन सबको हम स्क्रीन कर रहे हैं, और जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जितने लोगों को आइसोलेशन करने की ज़रूरत है या उनको होम क्वारंटाइन में रखना है उसे हम अक्षरशः फॉलो कर रहे हैं। 104 नंबर का फ़ोन अभी पब्लिक के लिए एक हेल्थ हेल्पलाइन की तरह वो उपलब्ध है। रोज़ 500 के उपरांत फ़ोन्स आ रहे हैं,
हम कहेंगे कि आपके मन में कोई भी शंका कुशंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो बेझिझक आप फ़ोन करिए 104 पर और उस आपको सही इन्फॉर्मेशन सूचना मिल जाएगी। लेबोरेटरी टेस्टिंग का भी प्रावधान है। आज तक 72 जितने टेस्ट हम कर चुके हैं, जिसमें से 72 नेगेटिव हैं। अभी 5 टेस्ट पेंडिंग हैं आज के दिन पर। और हमारे यहाँ 2 फैसिलिटीज़, बीजे मेडिकल कॉलेज और जामनगर के मेडिकल कॉलेज में भी इसकी प्रावधान है। प्राइवेट डॉक्टर्स यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी 5,530 जितने फिजिशियंस को हमने तालीम दी है, उसके अलावा 2,423 जितने मेडिकल ऑफिसर्स को भी हमने ट्रेनिंग दी है कोरोना वायरस के संदर्भ में, और वैसे ही 45,000 जितने हमारी आशा बहने हैं उनको भी सैटकॉम के द्वारा, सरपंचों को भी सैटकॉम के द्वारा, और 14,700 जितने पैरामेडिक्स यानी कि हमारे जो नर्सेज हैं, बाकी जो फार्मासिस्ट्स हैं, उन सबको भी हमने ट्रेनिंग दी है। रोज़ाना वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी भारत सरकार के साथ भी, और नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी, उनके साथ बिल्कुल एक लाइव संपर्क में हम हैं। और बस आज यही अनुरोध करेंगे फिर से कि ये जो हैंड वॉश, नमस्ते, थूकना नहीं है, और कॉफ एटिकेट, ये आप सब याद रखें। और जहाँ तक बने हमारे कोई भी अफवाहें, क्योंकि गलत कोई ऐसी काफ़ी फेक न्यूज़ का भी चलन अब बढ़ गया है, कुछ भी ऐसे कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल हमें पूछिएगा, हमें संपर्क करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप जानते हैं, 104 है, और हमारा एक कंट्रोल रूम भी है जिसका नंबर भी आप सबके पास है, ट्विटर हैंडल है, वेबसाइट है, तो इस पर आप कॉन्टैक्ट संपर्क करेंगे तो सही सच्ची सूचना आपको मिलेगी। इसे कहा गया कि सरकारी डिपार्टमेंट्स को हमने मैंडेट किया है कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स जो हैं उसे अब मुलतवी या बंद रखें, और पब्लिक को भी हमने अपील किया है कि जहां तक बने ऐसे मास गैदरिंग्स जो हैं वो अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर होगा, जिससे कि ये डिजीज़ स्प्रेड होने में हम ब्रेक लगा सकें। नमस्कार।